क्या आप मुंब्रा में प्रॉपर्टी देख रहे हो? तो मैं आपको यहाँ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK चाहे शॉप ले सकते हो। फिलहाल हमारा जो लोकेशन है वो शील थाना की तरफ है। यहाँ से आपको कटाईनगर का एरोली ब्रिज हो गया या आपको मेट्रो स्टेशन हो गया या आपका बुलेट ट्रेन स्टेशन हो गया, सारी चीज़ें आपको वॉकिंग डिस्टेंस से मिल जाएगी। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज और आपके एमिनिटीज के स्विमिंग पूल तक यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे ऑफर डिस्काउंट बहुत अच्छे चल रहे, 10% डाउन पेमेंट एंड 90% आपको लोन तक फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें और अगर कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मुंब्रा कौसा में ट्रैफिक समस्या को कम करने के लिए आज ट्रैफिक विभाग के DCP विनय राठौर ये विजिट किए और मुंब्रा रेलवे स्टेशन से लेकर वाई जंक्शन तक इनका दौरा रहा। कई जगहों पर जो है रोड के किनारे अवैध तरीके से गैरेज खुले हुए मिले, तो कहीं पर अवैध सर्विस सेंटर चल रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक जाम हो रही है और हॉकर भी कहीं ना कहीं इसकी एक समस्या बताए जा रहे हैं। DCP का साफ तौर पर कहना था कि रमज़ान में ट्रैफिक की समस्या कम करने के लिए जितने भी पॉइंट्स उन्हें 8 से 9 जगह पॉइंट्स उन्हें चिन्हित कराए गए हैं और वहां पर जो है रमज़ान के महीने में ट्रैफिक कांस्टेबल और साथ में वार्डन की तैनाती की जाएगी। खास तौर पर शिमला पार्क पर ट्रैफिक जाम की समस्या सबसे ज़्यादा आती है, लेकिन ये एक सर्विस रोड है। आप देख रहे होंगे कि ये एक सर्विस रोड है और यहाँ पर भी DCP ने विज़िट किया। साफ तौर पर DCP का कहना था कि सर्विस रोड जो ये है इसे मनपा के अधिकारियों को खाली कराना चाहिए, जिस पर काफ़ी अतिक्रमण हो गया है। ये शिमला पार्क का जो नाका आप देखेंगे, यहाँ पर शिमला पार्क का नाका है, वहाँ पर जब ट्रैफिक जाम होती है तो ये पूरा इलाके रोड जो है ये यहाँ पर पूरी गाड़ियों की जाम हो जाती है। इसके अलावा ये सर्विस रोड जो है मेन तालाब के पास जाता है और लोगों को बाइक से यहाँ से आने जाने में, ऑटो रिक्शा वालों या गाड़ियों को आने जाने के लिए यहाँ से सर्विस रोड बनाया गया, लेकिन देखेंगे किस तरह से ये कब्जा हुआ है यहाँ पर। ना ही मनपा प्रशासन इस पर ध्यान देती है। पूरी यहाँ पर देखेंगे ये दुकान, सामने जो दुकानें हैं इन दुकानों का सामान यहाँ पर लाकर रखा जाता है, गोनी वगैरह है, गाड़ियाँ टूटी फूटी हैं। ये सर्विस रोड अगर फुल खाली करके दिया जाता है लोगों को तो इस सर्विस रोड से लोगों को चलने में कहीं ना कहीं जो है आसानी लोगों को हो सकती है, लेकिन ये दुकानें हैं, इन दुकानों में जो भी सामान रहता है उन्हें देखेंगे यहाँ पर रखा जाता है। ये गोनी यहाँ पर रखी गई है, सर्विस रोड है, दुकान के सामने से ही ये सारे दुकान है। यहाँ पर लादी वगैरह जो बेचे जाते हैं उनके तरफ उनकी दुकान के जो सामान है, सीमेंट है, रेती है, मोरंग है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। ये देखेंगे मनपा के अधिकारी भी यहाँ पर हैं। एक मिनट आ रहा हूँ। हाँ उन्होंने सब क्या किया है, ये आपका है क्या ये सब? तो आपने खुद हटाना चाहिए, आप हटाओ ना। ट्रैफिक विभाग के DCP आए थे, ट्रैफिक विभाग के DCP आए थे, उन्होंने कहा सारा हटाने के लिए। बिल्कुल हटा लेंगे, दो दिन का टाइम दे जरा साहब, रमजान का महीना जरा इतना मेहरबानी करें। रमजान के बदले में तकलीफ होती है लोगों को, इतने हटाने? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल हमारी तरफ हटा लो, नहीं हमारी तरफ हटा लो जितना हो सकेगा। सब जगह नहीं है, दो रोज का टाइम मेरे को, आप जरा सोचिए जरा, अभी सबने डिसीजन लिया है तो आप ही मानो। दो रोज का टाइम दे साहब बस, कल सुबह तक आपके घर में। ये लादी जो टूटी पड़ी हुई किसका है, ये कौन फेंका यहाँ पे? हम लोग को नहीं मालूम किसका है वो, खाली अपना ये थोड़ा सा तो नहीं है ये? हाँ ये अपना खाली इतना है, मैं अभी भर दूँ। किसका जो टूटा फूटा लादी है वो बाजू वाले का, बाजू वाली दुकान जो बंद है? हाँ बंद है। तो आपने सुना कि यहाँ पर मनपा के अधिकारी भी हैं जो बातचीत कर रहे हैं ये सर्विस रोड क्लियर कराने के लिए, क्योंकि इस सर्विस रोड पर देखेंगे आपकी पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है। गाड़ियों का भी यहाँ पर क्या बोल रहे थे, वही पूछ रहे थे जो है यहाँ पर रखा गया दुकान के सामने। अरे जो DCP आए थे ना, DCP साहब आए थे ना, उनका साफ कहना है कि ये सर्विस रोड है। शमीम भाई, DCP, मुंब्रा पुलिस, सभी लोगों ने विजिट किए है, तो सर्विस रोड है ना ये, तो सर्विस रोड पे ऐसा रखा है, तो उनका कहना है कि ये खाली होना चाहिए ताकि लोग आ जा सके यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल एकदम खाली कर देंगे। हाँ करेंगे ना, करना आप बोलना नहीं पड़ेगा।
तो जो दुकान है उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी सामान रखे हैं फिलहाल के लिए और इसकी जगह तलाश करके वो यहाँ से सर्विस रोड से जो सामान है वो हटा देंगे। लेकिन इसी तरह से और भी जो दुकानदार हैं उनको भी समझने की कोशिश है कि जिस तरह से मनपा अधिकारी यहाँ पर आए और समझाया, तो जिस तरह से दुकानदार ने समझदारी दिखाई और उन्होंने कहा कि हम अपना सामान यहाँ से हटा देंगे, इसी तरह से सभी दुकानदारों को सोचना चाहिए कि जो भी वो सामान रोड पर रखे हैं, सर्विस रोड है और यहाँ पर ये देखेंगे दुकान है, यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ हैं और कांच वगैरह जो है यहाँ पर रखा जा रहा है। इसके अलावा ये देखें चाय की दुकान, ये चाय की दुकान है यहाँ पर, और चाय की दुकान पे यहाँ देखेंगे सर्विस रोड पे कुर्सी लगा के बिठाया जा रहा है, ये सर्विस रोड है सर, ट्रैफिक सर्विस रोड है ये। और ये चाय की दुकान, चाय की दुकान दिखाओ, चाय की दुकान, और ये सामने कुर्सी लगा के बिठाया जा रहा है, ये सर्विस रोड है, लोगों के आने जाने के लिए है। लेकिन यहाँ गाड़ियाँ पार्क की जा रही हैं, कोई सीमेंट की गोनी रख रहा है, कोई लादी तोड़ के रख रहा है, कोई चाय की दुकान खोल के रखा है तो वहाँ बैठने के लिए कर रहा है। लेकिन कार्रवाई जो है मनपा के अधिकारी हैं अभी आज जो है वो बता रहे हैं लोगों को हटाने के लिए, और जल्द से जल्द जो यहाँ पर कार्रवाई भी जो है सर्विस रोड पर यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी लोगों ने विजिट किया, ये पूरी सर्विस रोड जो जाम हो रही है, क्या कहेंगे सर्विस रोड है ये है पूरा, जिस तरह से पूरा ये सर्विस रोड पहले एकदम क्लियर रहता था एक टाइम पे, और ऐसे हमारे नेता लोग ने दौरा किया यहाँ पे, दौरा करने के बाद में ये सब करप्शन यहाँ पे होने लगा, गाड़ियाँ लगने लगी रोड पे, गोनियाँ लगने लगी, मार्बल लगने लगे, उसके पहले एकदम क्लियर रोड रहता था। तो जहाँ जहाँ हमारे नेता लोग दौरा करेंगे वहाँ वहाँ पर ऐसा करप्शन चालू हो जाएगा। अभी ये यहाँ का दौरा दिखा रहे हैं आप, यहाँ का दिखा रहे हैं आप, तनवर नगर से कब्रस्तान तक का दिखाइए ना, जो मेन तरास है, जो तकलीफ है, वहाँ पे एक रिक्शा चलने के लिए रास्ता नहीं रहते, किस्मत के आगे चार लाइन हॉकर्स बैठती है। सब अभी विजिट हुई, सब कार्रवाई का विजिट हुआ है, कहाँ का वो मैंने भी देखा, रेलवे स्टेशन का, जहाँ पे कोई तकलीफ नहीं, यहाँ का भी देखा, यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है। जहाँ पे मेन तकलीफ है किस्मत कॉलोनी से लेके कब्रस्तान, जहाँ पे पूरा मार्केट रोड पे बैठा है, वो साफ होना बहुत जरूरी है, वो साफ होएगा तो शहर साफ हो जाएगा। टोविंग जो चालू है ना वो वहाँ ठेला लगाने वाले लोग के लिए चालू है, उनके लिए जगह साफ कर दी जाती है ताकि वहाँ ठेला दुकान बाकड़े अच्छे से लगे, बाकी ट्रैफिक के लिए नहीं लगता है, ये ध्यान में रखिए, ट्रैफिक के लिए नहीं लगता है। आप ये दो गाड़ी के पीछे ले जाके गाड़ी खड़ी करोगे ना भाई, तो भी वहाँ से भी उठा लेगा, और लाल पट्टा हरा पट्टा ये आरटीओ वाले खाली बोलते हैं, कहीं से भी गाड़ी उठा लेंगे, तुम्हारी दो बिल्डिंग के बीच में गाड़ी खड़ी है उठा लेंगे। कोई जितनी भी टोविंग चालू हुई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ है ना वो ठेला लगाने वाले लोग के लिए, वहाँ कोई गाड़ी ना खड़ा करे, सिर्फ उसके लिए टोविंग चालू हुई है। ठेले वालों पे भी तो कार्रवाई हो रही है, ठेले वाले बोलते हैं कि हम दूसरे के ऊपर कार्रवाई, दुकान तोड़ के आप लोग कब्रस्तान के सामने दुकान तोड़ के, तब वहाँ भी क्या है, कब ठेला लगाए कब्रस्तान के सामने, देखो दुकान, लेकिन लोगों को भी अपनी, जैसे हमको और आपको भी हमको और आपको भी समझने की जरूरत है ना। अब देखिए ये सर्विस रोड है, अब ये लोगों की भी जिम्मेदारी है इसको साफ रखना, यहाँ से आने जाने के लिए। खाली ये दिखता है क्या, पूरा मुंबई साफ करो, पूरे मुंबई में विजिट, गुलाब पार्क साफ करो, बिल्कुल गुलाब पार्क भी साफ करो ना, खाली तुम यहाँ पे घूमते रहते हो। मनपा अधिकारी से पूछा हमने, मनपा अधिकारी बोले हम कार्रवाई करेंगे, कोई कुछ नहीं करता है, सब पैसा खा रहे, ठेला उठाएंगे, पास इतना पैसा है, एक गाड़ियाँ खड़ी है, दो बार फोटो मारो ना फाइन का मैसेज आएगा, हटेगा लेकिन मारेंगे नहीं ना, मारो ना, इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, मारो फोटो, तीन बार फाइन आएगा, किसका फाइन आएगा, खुद हटा, कोई नहीं हटाएंगे। लेकिन ये करना नहीं है ना, बात तो वो करना है कि उधर जगह खाली कराओ, जहाँ दुकानें लगना है वो ठेला लगाने के लिए, हफ्ता वसूली करो, टोविंग जो ठेला लगाने के लिए लगाओ, हफ्ता वसूली करो, जितनी भी गाड़ी, क्योंकि बाइक वाला खड़ी करके चला, दुकानदार तो उससे झगड़ा करेगा नहीं, ये टोविंग वाले उठा के लेके चले जाएंगे, खड़ी होती है, इसे दुकानदार भी परेशान है, इसका बिल्कुल परेशान है, क्यों नहीं परेशान है, उनकी दुकानें बेचारे की बंद पड़ी है, माल हटा के तुम पार्किंग करवा रहे हैं यहाँ पे, बताओ ना, माल हटवा के तुम पार्किंग करवा रहे हैं यहाँ पे, माल हटा देंगे, दुकानदार की मजबूरी रहती है दुकान के सामने माल रखना, अगर वो दुकान के सामने माल नहीं रखे ना तो कोई लाके पार्किंग कर देगा, वो मजबूरी के तहत करते हैं। दुकान ही है ना, भाई की दुकान है ना इधर, सबकी हाँ सबकी दुकान है, मनपा अधिकारी सामने खड़े, क्यों नहीं बोलते, मजबूरी के तहत रखना पड़ता है सामान, अगर बाहर सामान नहीं रखे ना, अभी देखो ये मेडिकल वाला, इनके पास कोई सामान नहीं है रखने का, कितनी गाड़ियाँ खड़ी है, खड़ी है ना, अब जिसके पास था मजबूरन वहाँ पे चार सामान रख देता है। ये भी तो देखो चाय की दुकान है, और उस चाय की दुकान वाले ने वहाँ
कम से कम 8-10 कुर्सी लगा दिया है। अगर वो कुर्सी नहीं लगाएगा, अगर वो कुर्सी नहीं लगाएगा तो उसकी होटल बंद हो जाएगी, वहाँ पार्किंग हो जाएगी, दुकान दिखेगी नहीं, वहाँ तीसरा कोई ठेला लगा देगा, मजबूरी है। अगर जगह खुली रखे तो कोई दुकानदार बाहर सामान नहीं रखेगा, मतलब जो लोग ढूंढते रहते हैं जगह कहाँ खाली है, यूनियन बनाओ तो सालों को बैठा दो, यूनियन बनाओ सालों को बैठा दो, टोविंग हो रही है खाली, वो ना दुकानदारों के लिए लगी है कि दुकानदारों जो ठेला वाले है ना वो टोविंग हटाओ, वहाँ से गाड़ी हटाओ, वहाँ ठेला लगे। अरे ठेला जब लग रहा है तो ट्रैफिक का मसला कहाँ हल हो रहा है, बात ये है ना, ईमानदारी से काम कमा रही है, मजबूरी है, यूनियन वाले भी कमा रहे हैं, और दुकानदार का बोलो सामान साफ करो, दुकान के सामने पार्किंग बन गई, गुलाब उधर सामने दुकान तोड़े पसंद के सामने, सब सब पार्किंग बन गई, वही बोल रहा हूँ ना, चांदनगर साहब की पार्किंग बन गई, इसकी जगह खाली है पार्किंग बन गई, होटल वाला मजबूरी पे कुर्सी रखा है, अगर उसकी जगह खाली रहे दुकान लग जाएगी, लेकिन मजबूरी क्या है, तो सर्विस रोड है। अरे भाई मजबूरी ये है कि ये नहीं हट्टी ना, इसको हटा, ये है कि मनपा प्रशासन की लापरवाही है जो वो खाली नहीं करा रहे, मजबूरी ये है कि अगर जगह खाली रहेगी तो पार्किंग हो जाएगा, दुकानें बंद हो जाएंगी, बात ये है, इस चीज़ को हटना चाहिए ना, सारी पार्किंग है तो लगी यहाँ से वहाँ तक, जिसके पास माल है बेचारा माल कुछ रख देता है कि यहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी हो। अभी ये कार्रवाई हो रही थी, देखिए यहाँ से सर्विस सेंटर चलाया जा रहा था, यहाँ पर सर्विस सेंटर चलाया जा रहा था, और यहाँ से पानी जो है यहाँ पे अभी अच्छा ये सर्विस सेंटर यहाँ से पानी रोड पे धो रहे थे। अरे हाँ बस मत करो, नहीं नहीं करो, मतलब क्या यहाँ से दुकान यहाँ पे है और सर्विस सेंटर रोड पे धो रहे थे, सलमान अरे लेकिन आपको सोचना चाहिए भाई कि सर्विस सेंटर आप यहाँ मोटर लगाए और गाड़ी आप रोड पे धो रहे हैं, अब इतने 3-4 किलोमीटर का शहर है, आप मुझे बोल रहे हैं इस्लामुद्दीन भाई समझो, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन लोग जो हैं वो नहीं समझ रहे ना, लोगों का कहना है कि लोग जो है प्रशासन भी आवाज उठा रहा है ना, 3 साल से आ रहे हैं, बात ये प्रधान भी आए थे 3 साल पहले, झगड़ा हो गया इसी टाइम पे भाई, और फिर खाली रमजान में ही आ रहे, 3 साल अभी तक साफ नहीं हुआ, मनपा प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। अब ये देखिए यहाँ बाउंड्री था पहले, ये शिमला बागी बाउंड्री के अंदर का हद है, ये बाउंड्री थी, ये गेट था देखो आगे, अभी होटल के लिए जगह थी, हमारे वजू खाने थे, मस्जिद पढ़ते थे नमाज, अब ये होटल बंद होगा कहाँ जाएंगे, अभी अचानक से रमजान से पहले बोलो ना भाई सब खत्म करो, अगर ट्रैफिक का मसला है शुरू में ही बोल देना चाहिए ना, 2 दिन पहले 3 दिन पहले, अभी क्या है ट्रैफिक निकाल ले, ट्रैफिक क्लियर करने के लिए ट्रैफिक लगाते जा रहे हैं, क्या है समझ बूझ होना चाहिए ना कि सुबह करो रमजान से पहले कर लो, ऐसे मसला नहीं हल होगा, आज आ गए ये लोग आए, आज क्या हुआ, प्रशासन मीडिया सब साथ में आ गई, इनके ऑफिसर चले जाएंगे कल से फिर वही हाल, ऐसा नहीं होता, करो तो ठोस काम करो, और रमजान में ये टाइम पे नहीं करना चाहिए, पब्लिक क्या रोजा लगा है सब, क्या उनका टाइमिंग है खरीदी है और इसी टाइम पे डिस्टर्ब, ये बाउंड्री थी आप जो बोल रहे ना रोड पे लगा, ये रोड नहीं था, बाद में सर्विस रोड में आया, अभी ये भी हो सकता है टूटे कुछ दिनों के बाद, लेकिन ये बाउंड्री थी, बाउंड्री के अंदर था गेट, हम लोग अंदर कर लिए, लेकिन अभी होटल वाले ये सब है थोड़ा रोज होता है भाई, अभी सब दुकानें कहाँ जाएंगे सब पार्किंग कॉलोनी की, ये तो सर्विस रोड बना दो क्लियर करो, सबसे पहले इनको क्या करना चाहिए इस्लामुद्दीन भाई मालूम, ये देखो एक लाइन रोड की खड़ी रहती पार्किंग, ये पार्किंग हटा दो, ये सर्विस रोड की जरूरत नहीं आज है क्या, अभी बोल जाएगा भाई रोड भी चौड़ा, ये पैसे लेके पार्किंग करवा रहे, क्लियर कराओ आप, करने से पहले वो नाले को बंद करके था, फुटपाथ करना पड़ेगा, पब्लिक चलेगी कहाँ से, यानी यहाँ से टच हो जाएगी, मर जाएंगे बिल्डिंग के बच्चे, सब छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्डिंग में कॉलोनी में आते, इन्होंने खाली सर्विस रोड गेट में प्रशासन की भी लापरवाही है इसमें, ये बात नहीं एक्चुअली ये जो करना था ना आपको, या रमजान शरीफ के पहले करना चाहिए था या तो बाद में करना चाहिए था, एक्चुअली लोगों को रोजगार वैसे भी नहीं है, और आप जब भी कोई फंडा लेके आते हो तो ऐसा लेके आते हो जिससे हमारी आवाम परेशान होती है, इसके पहले भी आपने वो टोइंग लेके आए, आज क्या हो रहा है मालूम क्या, लोगों के पास रोजगार नहीं, वो 100 रुपये का पेट्रोल डाल के
यहाँ पे टोरन में बिल भरने जाते हैं और उसका मालूम पड़ा गाड़ी और टोइंग वाला लेके चला जाता है, 700 रुपये फाइन है इस्लामुद्दीन भाई। ये टोइंग की जरूरत थी क्या शहर में? एक आदमी की कमाई है, एक दिन की एक आदमी की कमाई है। अब सोचो 100 रुपये पेट्रोल डालने के बाद में 700 रुपये फाइन आदमी भर सकते हैं क्या? नहीं भर सकते। तो आप ये सब चीज़ क्यों लाते हो शहर में? वो चीज़ लाइए ना जिससे लोगों को फ़ायदा हो। फायदे की तो आपकी कोई चीज़ दिखती नहीं हमको। अभी आज देखिए रमजान शरीफ का दूसरा दिन है, यहाँ पे कोई ट्रैफिक दिख रहा है? आप दिखा रही है ट्रैफिक है यहाँ पे? कोई ज़रूरत है? लेकिन यहाँ पे आपने अधिकारियों को ला के उचका दिए, अब ये लोगों को तकलीफ पड़ गई। आप जिस जगह पे ट्रैफिक है, जिस जगह पे एक रिक्शा नहीं चल सकती, उस जगह पे आप लेके ही नहीं जाते अधिकारियों को। हॉकर्स मार्केट जो राजीव गांधी दी गई है, ठीक है, एक मिनट की राजीव गांधी हम साइन कर सकते, उसके अलावा किस्मत कॉलोनी से लेकर कब्रिस्तान तक के पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं है और आपका ऑफिस भी वहीं पे है, तो आपको ऑफिस में बैठ के दिखता नहीं कि हमारे ऑफिस के सामने पैदल आदमी नहीं चल सकता, रिक्शा नहीं चल सकती, तो वो कब साफ होएगा? और वहाँ पे भी बहुत से फंटे हैं। 12-1 बजे अगर कोई टू व्हीलर लगा देगा, भले वो सिंगल लाइन लगा लेकिन उसकी गाड़ी उठ जाती है। बाकी जगह पर क्यों नहीं उठती है? वहाँ से क्यों उठते हैं? वहाँ पर 2 बार लफड़े हो चुके हैं ट्रैफिक के। क्यों? कि वो गाड़ी उठाने के बाद में हॉकर्स वालों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर से वो गाड़ी नहीं उठाएंगे तो हॉकर्स के लफड़े होंगे। इसके लिए वहाँ पे सख्त एक ताकीद दी गई है कि वहाँ पे एक गाड़ी नहीं लगना चाहिए। और वहाँ पे देखिए बैंक है, शोरूम है, बहुत से ऐसे वर्कशॉप है, कमर्शियल है, जहाँ पर हर आदमी को वहाँ जाना पड़ता है। बाटला है तो वहाँ पर हर आदमी को जाके अपना काम करना पड़ता है। और जब आदमी जाके वहाँ पर फुटपाथ पर चिटका के गाड़ी लगाता है तो उसकी गाड़ी है इस्लामुद्दीन भाई उठ जाती है। उठने के बाद में उसको 700 रुपये फाइन भरना पड़ता है। वहीं पे आपका ऑफिस है। आप इस चीज़ पे क्यों नहीं ध्यान देते कि लोगों को आप क्यों तकलीफ दे रहे हैं? आप लोगों की सहूलियत लाओ ना, लोगों की फ़ायदे की कुछ चीज़ स्कीम लाइए। ये तो नुकसान है और हमको नुकसान में हमको उसकी तकलीफ उठाना पड़ती है। 4 फोन हमको आते हैं हर चीज़ के लिए। लोगों को तकलीफ मत दीजिए। इलेक्शन भी करीब आया, लोगों के फ़ायदे के लिए कुछ करिए। पब्लिक हमारे साथ में है क्योंकि पब्लिक भी बीजेपी से परेशान हो चुकी है। अब कल पब्लिक ऐसा ना बोले कि आपसे भी परेशान हुए हम, ठीक है? तो आपने सुना कि यहाँ पर जो ये देख रहे ज़मीन गीली है, ये दरअसल यहाँ पर एक सर्विस सेंटर चलाया जा रहा है। सामने देख रहे जो गोल्डन चक्की लिखा हुआ है, वहाँ से पानी की टंकी रखी है, वहाँ से यहाँ लाकर ये सर्विस सेंटर चलाया जा रहा था और रोड पर ही गाड़ियाँ धोई जा रही थी। लेकिन रोड के किनारे जो ये एक तरफ से देखेंगे आपके गाड़ियाँ पार्क की गई हैं। आज DCP यहाँ पर विजिट किए थे और जो है वो साफ तौर पर कहा है, मनपा अधिकारियों से भी बातचीत करके कहा है कि जिस तरह से अवैध रूप से ये गाड़ियाँ जो पार्क की जा रही हैं रोड के किनारे, इन गाड़ियों पर जो है कार्रवाई की जाए और पीछे की तरफ जो सर्विस रोड है उस सर्विस रोड को भी जो है कार्रवाई करके वहाँ पर भी उसे साफ़ किया जाए ताकि लोग वहाँ से आ जा सकें।